स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे पॉइंट एंड शूट कैमरा के बारे में। क्या पॉइंट एंड शूट कैमरा आगे भी रहने वाला है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका मुख्य आइडिया क्या है, बहुत सिंपल है। हर कोई करोड़पति नहीं होता, ये चीप कैमरेज हैं, लोग खरीद सकते हैं। मतलब कोई भी कैमरा बहुत बढ़िया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप खरीद ही नहीं सकते, तो पैसा सबसे पहले। दूसरा, ये सब कैमरे मल्टीपर्पज़ होते हैं, ये वीडियो भी कर सकते हैं, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी खास ठीक ठाक हो जाता है और जूम भी रहता है, तो ये मल्टीपर्पज़ है। ये आप लेके इससे आप मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हो, आप टेली फोटोग्राफी भी कर सकते हो, वाइड एंगल शूटिंग भी कर सकते हो, मतलब आप ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ है, स्विस आर्मी नाइफ टाइप है। और जनरली इनके ऑपरेशनल रेंज बहुत बड़े होते हैं, मतलब आप एक DSLR लेते हो तो आपको हर चीज़ के लिए अलग लेंस लेनी पड़ती है, जनरली इसमें नहीं करना पड़ता है। तो ये सब मिला के एक सिंपल आइडिया था, एक सस्ता वाइड रेंज में काम करने वाला औजार आपके पास आ जाता है पॉइंट एंड शूट कैमरा से। तो पॉइंट एंड शूट कैमरा के काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं, मैं तीन कैटेगरी दिखाऊंगा जो काफ़ी सक्सेसफुली अभी भी काम कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी है वाटरप्रूफ एंड रगेड, इसका मतलब है कि आप स्विमिंग पूल में ले जाओगे वो नहीं ख़राब होगा। हाँ, समुंदर में मत चले जाइएगा, मतलब एकदम भावनाओं में ना बह जाएं आप कि एकदम चले गए 600 मीटर नीचे, नहीं हो 30, मतलब एक स्विमिंग पूल में जनरली ये सब नहीं ख़राब होगा। आप वाटर पार्क में हो जनरली नहीं ख़राब होगा। तो वाटर पार्क में तो आप देख ही सकते हो, आप गर्मी में मतलब हम भारतीय लोग तो काफ़ी गर्म जगह पर रहते हैं जनरली, तो वाटर पार्क में जाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन आप चाहोगे फ़ोटो लेना चाहो और आप कहोगे कि नहीं आजकल के मोबाइल में भी आ जाता है वाटर प्रूफ, तो आप क्या मोबाइल के साथ रिस्क लोगे? कई मतलब लाख रुपए का डिवाइस के साथ आप रिस्क लेना चाहोगे? और मोबाइल जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका फोटो जाएगा, आपका बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा भी चला जाएगा। तो इस कारण वो एक डेडिकेटेड डिवाइस जो ये हैंडल कर सकता है वो ज़्यादा बेटर होता है और प्लस सस्ता पड़ता है। मतलब अच्छे खासे वाटरप्रूफ कैमरा भी आपको 30,000 के अंदर आ जाएंगे। और प्लस मान लीजिए कैमरा को कुछ हो गया, जनरली SD कार्ड वाटरप्रूफ होते ही हैं बाई डिफ़ॉल्ट, मतलब वो पानी के अंदर रह सकते हैं, तो आपका फोटो बच जाएगा, कैमरा चला जाएगा लेकिन फोटो बच जाएगा। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बच्चा है उसको फोटोग्राफी का शौक चढ़ गया, पापा मुझे कैमरा चाहिए। अब आप DSLR खरीद के दे सकते हो, मान लेता हूँ आपके पास पॉकेट है, लेकिन आप देना नहीं चाहिए आपको क्योंकि वो टूट जाएगा, मतलब बच्चे गिराते फिराते रहते हैं सामान, उनको सीखना पड़ेगा, प्लस भारी होगा तो यूज ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये कैमरा बहुत अच्छा है बच्चे लोगों को सिखाने के लिए फोटोग्राफी। और आप बोलोगे नहीं यार मोबाइल से भी सीख सकते, सही बात है, लेकिन मोबाइल में वो साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं, आप कैमरा देखते हो तो एक हाँ कैमरा है, मोबाइल में वो फीलिंग नहीं है और ना ही कभी आ सकती है। आप कैमरा एक देखते हो तो लगता है कि हाँ भाई कैमरा, लाइक बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स जानबूझ के बड़ा कैमरा लेते हैं कि मतलब देखने वाला को लगना चाहिए अरे भाई सीरियस बात है। तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है यहाँ पे जो कि आपके मतलब अगर आप बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हो और बोलते हो कि इससे फोटोग्राफी करो उतना सीरियसली नहीं लेगा, कैमरा पकड़ा देते हो तो इसलिए बहुत अच्छा। और आपको शांति रहेगी, मान लीजिए आप खरीद लेते हो, मान लीजिए आपको हाथ बहुत कांपता है या मतलब आप उम्र हो रही है आपकी कि आपका हाथ से गिर सकता है, फिसल सकता है, या आप पानी उनी गिरता रहता है आपके अगल बगल, आप पानी के बीच में काम कर रहे हो, तो मन की शांति के लिए ये कैमरेज बहुत अच्छे हैं, ना ही बहुत महंगे हैं और ना ही मतलब सस्ता चीज़ है, अच्छा चीज़ है, ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। दूसरा आता है, ये है अल्ट्रा जूम कैमरा, जिसे हम लोग बेसिकली ये टेलीस्कोप को आपके कैमरे में डाल दे रहा है, आप बस ऐसे समझिए। इससे बढ़िया ट्रैवल कैमरा नहीं होता है। आप ट्रैवल मान लीजिए कहीं कर रहे हैं, आप शिमला गए या मनाली गए, पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं, दूर आपको कुछ दिखा, आप ये कैमरा लीजिए, घुस जाइए वहाँ तक, आपको सोचना ही नहीं है कुछ, आप जाने दीजिए, जूम जाने दीजिए। आप बोलोगे भाई DSLR में भी बड़े लेंस ले सकते हैं, नहीं, DSLR में 300 mm तक का लेंस लेने पे आप 60,000 खर्च कर डालोगे। आप बोलोगे कि फुल फ्रेम हम 800 mm लेंगे 2,00,000 खर्च कर डालोगे, तो आप समझ सकते हैं ऐसा नहीं कि DSLR में लेंस आता भी नहीं, लेकिन अभी तक मैंने कोई 3,000 mm का लेंस नहीं देखा है जो कि Nikon के लेटेस्ट P1000 में आ गया है। तो इस कारणवश मतलब ये आप कैमरा लोगे आप खुश रहोगे, मतलब आप जूम कर करके देख पाओगे हर चीज़, तो एक अलग तरह से तसल्ली आएगी आपको। जैसे आप कहीं पे भी गए पहाड़ के ऊपर, लोग कहते हैं ना अरे वहाँ देखो वो है या यहाँ देखो ये कैमरा उसको आपके पास ले आएगा, तो इसका मज़ा कुछ और है। और ये जू जैसे मान लीजिए आप लोगों को जानवर में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आप यार जानवर के पास तो नहीं जाओगे ना बात बात के लिए। लोग कहते हैं कि नहीं प्राइम लेंस लो, बहुत अच्छा क्वालिटी है उसके, मतलब यू नो आगे पीछे जाके करो। अब पिंजरे के पहले तो पिंजरे के अंदर आपको जाना नहीं चाहिए, दूसरा आप जाके क्या मतलब गोरिल्ला के भी पास जाके होशियारी नहीं करोगे ना, दूर से खींचना चाहोगे, आप थोड़ा सेफ्टी में रहना चाहोगे, और मान लीजिए चिड़िया चिड़िया के पास आप कैसे जाइएगा। तो ये सब मिला के ये बहुत अच्छा फन टू यूज़ कैमरा होता है, मतलब आप ले लोगे आप खुश रहोगे और देखने में भी लगता है कि बड़ा है, और जब लेंस आगे एक्सटेंड करती है तब तो कुछ कहना ही नहीं है, मतलब है ये बहुत यूनिक और सक्सेसफुली चल रहा है। क्योंकि अभी Nikon ने जो P1000 उतारा है, इसका एक पुराना वर्शन है P900,
वो तो मतलब पूरा YouTube पे छा गया सिर्फ इस बात के लिए, देखो ये लेंस कहाँ तक जा सकता है। तो आपको तो सोचना ही नहीं, मतलब ये लेंस, इस टाइप के कैमरा, अल्ट्रा जूम कैमरा सब कंपनी बनाता है, सोनी, कैनन, नाइकॉन सब बनाता है, तो इसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, मज़ा आ जाता है खेलने में। तो आइए आगे देखते हैं ये प्रोसीमर्स कैमरा के बारे में। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टीनेजर है जो बोल रहा है भाई मेरे को DSLR चाहिए। DSLR आप जानते हो कि बड़ा बड़ा चीज़ है, एक तो पैसा भी बहुत लगता है, ऊपर से भारी भी बहुत होता है, ऊपर से लेंस तो छोड़ ही दो, तो सब मिला के हिसाब ये बनता है कि यार बड़ा है, भारी है और मैनुअल कंट्रोल मिलता है, इसलिए लोग DSLR खरीदना चाहते हैं। मैनुअल कंट्रोल कॉम्पैक्ट कैमरे में आराम से आ सकता है, सॉफ्टवेयर हैक करके दिया जा सकता है, लेकिन वो मतलब राइट ऑफ द बॉक्स नहीं है और प्लस आपकी वारंटी चली जाएगी। तो इस कारण से कंपनी खुद ही ने एक सिस्टम निकाला जिसमें ये करते हैं कि हम आपको एक कैमरा देंगे जो पॉइंट एंड शूट ही है, बस उसमें बड़ा सेंसर है। और जैसे ये कैनन का कैमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ G1X, इसमें तो APS-C साइज का सेंसर ही है जो कि जनरली DSLR में यूज़ होता है। तो वो देखे एक अच्छे लेंस के साथ देखे, लेकिन आपको फुल मैनुअल कंट्रोल दे दिया जा रहा है, मतलब आपको जो सेटिंग चेंज करना है करो, आपसे ये लड़ेंगे नहीं। आपको ISO चेंज करना है करो, कोई टेंशन नहीं है। आपको एपर्चर चेंज करना है करो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब मिला के एक बेसिकली आपको एक DSLR पॉकेट फॉर्म में दे दे रहा है। आप लेंस नहीं बदल सकते, लेकिन जनरली ये लोग कोशिश करते हैं अच्छी लेंस देने का। और इसमें जो लेंस भी दी जाती है वो जनरली क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको अल्ट्रा जूम की तरह नहीं दे देते कि हाँ 500x, 50x, 60x नहीं देते, ये जनरली 10x के अंदर ही रहते हैं और कोशिश करते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का लेंस दे, जाकि मतलब अगर आप फोटो जो लें तो उसको प्रिंट कर सके बड़ा। तो ये प्रोस्यूमर्स कैमरा आजकल काफ़ी पॉपुलर है। सोनी RX100 सीरीज तो एकदम छा गया था दुनिया में, पैनासोनिक लूमिनेक्स का भी एक ZH-Series 100 है, कैनन ने भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं। तो ये सब प्रोस्यूमर कैमरा का काफी मतलब आप समझिए DSLR आपके पॉकेट में डाल रहा है। तो आइए देखते हैं भविष्य में क्या मिलने वाला है। तो अभी के कैमरा में टच स्क्रीन आने लगे हैं, लेकिन उसका इंटीग्रेशन मतलब वो किस तरह से सारे सेटिंग से काम करता है वो अच्छा नहीं है, मतलब काफी रूम है इंप्रूवमेंट का। ये मैं होप करता हूँ कि आगे वाले कैमरा मैन्युफैक्चर इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा, मैनुअल कंट्रोल यार मतलब दिया जा सकता है, जबरदस्ती का ये लोग नहीं देते ताकि इनको अपना हायर एंड कैमरा बेच सकें। तो या दो यार, मैनुअल सेटिंग आ जाएगा, क्योंकि आजकल पॉइंट एंड शूट में भी धीरे धीरे मैनुअल सेटिंग आने लगे हैं, तो मैं होपफुल हूँ इसके मामले में। वायरलेस इंटीग्रेशन, इस पर मुझे सबसे ज़्यादा होप और ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि लोग आजकल फोटो खींचते हैं तो उसको तुरंत इंस्टाग्राम में डालना है, तुरंत उसको फेसबुक पे डालना है। तो आप बोलोगे कि भैया पहले फोटो लो, फिर फोटो को ये SD कार्ड से निकालो, फिर SD कार्ड को किसी लैपटॉप या कैमरा ये कंप्यूटर में डालो, उसके बाद फोटो को एडिट करो, उसके बाद उसको फेसबुक पे डालो, नहीं, लोग को मोबाइल से यूज़ करने लगेंगे। तो वायरलेस इंटीग्रेशन इसमें खुद होना चाहिए। और क्या ऐसा किया जा सकता है, टच स्क्रीन के साथ आजकल मॉडर्न प्रोसेसर जो ये सब कैमरे में लग रहे हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, वो पूरा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। सैमसंग तो बीच में एक बार ट्राई भी किया था कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही दे दिया था। तो अभी तो सिर्फ इसमें वाईफाई आता है और वो भी काफ़ी फिनकी, मतलब पॉलिश नहीं है, इस पर काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और GPS आते हैं और रगेड कैमराज में, जो कि काफ़ी फायदेमंद है उन लोगों के लिए जो ट्रैवल फोटोग्राफी खूब करते हैं। और रॉ एडिटिंग मैं चाहूँगा कि आने वाले कैमरा में मिल जाए। जैसे ही आप देख सकते हैं कि इसमें ऐप्स डालना पॉसिबल है, तो रॉ एडिटर भी आ जाएंगे, जैसे Adobe Lightroom आजकल आपके मोबाइल में आ सकता है। और बेटर बैटरी, भाई कुछ भी कर लो, बैटरी अगर ख़राब है तो काम का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके मैं देख रहा हूँ आने अभी के समय में, जैसे ये आपको मैं फ़ोटो दिखाना चाह रहा हूँ, ये सोनी का हाई एंड फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा का बैटरी है। ये है A7 का बैटरी, वो है A7 Mark III का बैटरी है। तो Mark II और Mark III के बीच में इन्होंने सुना कि भाई लोग कंप्लेन कर रहे हैं, भाई इतना बड़ा कैमरा ले रहे हो, लाख रुपए का कैमरा दे रहे हो, लेकिन बैटरी तो टिक नहीं रही है। तो आने वाले भविष्य में केमिस्ट्री भी बेटर हो जाएगी, टेक्नोलॉजी भी बेटर हो जाएगी, प्लस ये लोग बड़ा बैटरी ही डालने लगेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बैटरी अच्छा हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पॉइंट एंड शूट कैमरा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको उससे कुछ सीखने को मिला हो या अच्छा लगा हो, उस कारणवश आप लाइक कर दीजिए। नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट लिखिए और बताइए आप क्या देखना चाहेंगे आगे। और मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए, क्योंकि मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ। आपका समय मुझे लेकर अच्छा लगा और इस कारणवश धन्यवाद।